हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आई एम डॉक्टर मोनिशा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत दिनों से हम इंतजार कर रहे हैं कि यूजीसी नेट का रिजल्ट कब तक आएगा, अभी तक नहीं आया है। और आज मैं आपको एक राहत की खबर बताने आई हूँ कि सीएसआईआर नेट, जो कि आपकी ही तरह यूजीसी नेट की तरह एग्जाम होता है, एनटीए ही कंडक्ट कराता है, उसका रिजल्ट आ चुका है। और उस रिजल्ट को देखने के बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा रिजल्ट भी कैसा आएगा। जैसे कि अब जानते हैं कि तीन कैटेगरी में आपका रिजल्ट आने वाला है। पहला जेआरएफ के लिए, दूसरा लेक्चरशिप के लिए, और तीसरा क्या है, पीएचडी एडमिशन के लिए। तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और हम चेक कर सकते हैं किस तरह से रिजल्ट आया है। ठीक है, अब हमारा रिजल्ट कब तक आएगा? तो देखिए, इनका सीएसआईआर नेट का जो फाइनल आंसर की आई थी वो करीबन हफ्ते से 10 दिन पहले आई थी, है ना। और अब जाके उनका फाइनल रिजल्ट आया है 14 तारीख को, मतलब कल। तो हम भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हफ्ते 10 दिन में हमारा रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन ये अंदाजा ही है क्योंकि एनटीए इस बार सरप्राइज करने के मूड में है। तो हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से सीएसआईआर का नेट का रिजल्ट आया है। सबसे पहले तो उनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर हम जाते हैं, लेकिन इधर पर रिजल्ट नहीं है। एक और एनटीए के द्वारा सरप्राइजिंग ये था कि इन्होंने इस वेबसाइट पर अपना रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया। इन्होंने किस में किया है? तो इनकी ही एक और वेबसाइट है, ये मानव संसाधन विकास की, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की, सीएसआईआर नेट की ही है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। यहाँ पर ही इन्होंने लास्ट में, जब हम नीचे आते हैं ना, न्यूज एंड अनाउंसमेंट के कॉलम में जाकर अपना रिजल्ट और कट ऑफ दोनों ही दिए है। ठीक है, 14 तारीख का दिन दिखा हुआ है रिजल्ट का, और कट ऑफ भी उन्होंने जारी कर दी है आज, यानी कि 15 तारीख को। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम भी दिए हुए हैं तो भी आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको ये पता चलेगा कि रिजल्ट किस तरह से बनाया गया है, क्योंकि उसी तरह से आपका रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, तो चलो हम खोल के देखते हैं कैसे रिजल्ट आया है। पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं, कट ऑफ भी देख लेते हैं। ये है कट ऑफ और यहां पर आया है आपका रिजल्ट। ठीक है, अब इन्होंने रिजल्ट जो है वो कैटेगरी वाइज दिया है। फर्स्ट कैटेगरी में बात करी है इन्होंने जेआरएफ की, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी में जो रिजल्ट आएंगे स्टूडेंट्स ना, वो जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएंगे वो। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, टोटल कैंडिडेट्स उन कितने हैं, 1963, यानी कि 1963 स्टूडेंट हैं जो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हुए हैं। अच्छा, मैं उन स्टूडेंट्स को बता दूं सीएसआईआर नेट क्या होता है। तो देखिए, जिस तरह से आपका यूजीसी नेट होता है 83 सब्जेक्ट्स में होता है, वैसे ही साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए एनटीए ही एक एग्जाम कंडक्ट कराती है। जिस तरीके से नेट होता है उसको सीएसआईआर नेट कहते हैं। ठीक है ना, साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए बाकी सारी प्रोसीजर सेम होती है। तो यहाँ पर आपका जो टोटल कैंडिडेट है 1963 स्टूडेंट है। अब एग्जाम का रिजल्ट उन्होंने दिया है, फर्स्ट दिया है रोल नंबर का कॉलम, फिर रैंक भी दिए हुए और फिर रोल नंबर, है ना। इस तरह से उन्होंने फर्स्ट कैटेगरी में रिजल्ट दिया है। क्लियर, अब इसी तरह से उन्होंने देखा होगा सेकेंड कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी किसकी आएगी, जो स्टूडेंट्स आपके लेक्चरशिप के लिए क्वालिफाई किए गए होंगे। ठीक है, तो पेज नंबर आई थिंक 24 पर आपकी दूसरी कैटेगरी है, लेट मी चेक, ये है, ये कैटेगरी नंबर 2, एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, पीएचडी के लिए। और अगर आप लेक्चरशिप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए है। यहाँ पर टोटल जो कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई कर गए हैं वो 3172 हैं। यहाँ पर भी उन्होंने रोल नंबर दिया है, फिर रैंक दिया है। ठीक है, अब लास्ट कैटेगरी जो है वो है पीएचडी की, उसको भी हम चेक कर लेते हैं कहाँ पर दिया हुआ है। ये है, ये है कैटेगरी नंबर 3, ओनली एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी, सिर्फ पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है ये। आप अगर इसमें क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर रैंक नहीं दी गई है, केवल उन रोल नंबर्स के नाम दिए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, करीबन है 10,969, है ना, 10,969 स्टूडेंट जो है वो इसमें क्वालिफाई कर गए हैं। तो ये स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। अब इसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि पीएचडी में क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है एडमिशन का। जैसे कि हम जानते हैं लेक्चरशिप के लिए तो है, मालूम है हमें, पीएचडी के लिए क्या किया हुआ है उन्होंने, पीएचडी के लिए क्या किया हुआ, शायद इसमें कट ऑफ वाले इसमें दिया होगा, हाँ यहाँ पे दिया होगा। कट ऑफ के लिए भी मैं बता दूं आपको किस तरीके से आया है। तो केमिकल साइंस में अनरिजर्व कैटेगरी में 55%, ईडब्ल्यूएस में 47%,
ओबीसी में 47.75%, एससी में 36%, एसटी में 30.75% और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 25%, है ना। इसलिए आपका कट ऑफ है कैटेगरी फर्स्ट का, ऐसे ही कैटेगरी सेकंड का दिया हुआ है। अच्छा, जहां कहीं पे भी दो शिफ्ट में एग्जाम होते हैं और दो शिफ्ट में एग्जाम में दोनों ही शिफ्ट में आपका एक ही सेम पेपर होता है, वहां पर रिजल्ट आएगा परसेंटाइल बेस में। तो वहां पर आपको जैसे कि लाइफ साइंस वाली कैटेगरी में यहाँ पर रिजल्ट परसेंटाइल में दिया हुआ है 99.84%, है ना। और यहाँ पर आता है लेक्चरशिप कैटेगरी में 98%। अच्छा, जिन्होंने स्टूडेंट्स ने लेक्चरशिप के लिए क्वालिफाई किया है वो पीएचडी के लिए ऑलरेडी क्वालिफाइड है, लेकिन सिर्फ पीएचडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इसमें लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू पीएचडी कैटेगरी नंबर 3, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू पीएचडी एज पर यूजीसी गाइडलाइंस एंड सब्जेक्ट्स टू सेटिस्फाइंग मिनिमम बेंचमार्क ऑफ 33% फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी एंड 25% फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। मतलब जो मिनिमम क्वालिफिकेशन के मार्क्स होते हैं ना हमारे यहाँ पे, जैसे हम 40% मार्क्स की बात करते हैं और कैटेगरीज में हम 35% मार्क्स की बात करते हैं, तो वही मिनिमम कैटेगरी में अगर आपका एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है ना, जैसे 35% और आपका किस में जनरल कैटेगरी में 40%, तो उसमें ही आपका यहाँ पर एडमिशन दे दिया जाएगा। अगर आपने मिनिमम 40% मार्क्स भी स्कोर किए हैं तो आप पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। अब कैसे क्या होना है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहां कहीं पे भी आप एडमिशन देने के लिए जाएंगे, देयर इज द मिनिमम बेंचमार्क्स ऑफ 33%, है ना। तो 70% जो मार्क्स होंगे ना, वो आपको जो बायवा होगा ना, उसके यहाँ पर 30% मार्क्स के लिए आपको वहां पे बायवा देना पड़ेगा, बाकी 70% मार्क्स जो है वो इस एग्जामिनेशन के थ्रू आपको मिल जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आपने सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन दिया है तो आप सभी स्टूडेंट्स अपना जो नेट का रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। आपको मैं फिर से बता दूं कि इस बार जो उन्होंने वेबसाइट का चयन किया है वो ये है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो जो भी स्टूडेंट्स चेक करना चाहते हैं वो डायरेक्टली इस लिंक तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो जनरली हम इस वेबसाइट को खोलते हैं और इसमें आपका रिजल्ट नहीं है, क्लियर। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ, तो आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। बाकी जो हमारे यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा पैनिक ना हो, आप अपनी प्रिपरेशन करें दिसंबर वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि सीएसआईआर नेट की जो फाइनल आंसर की थी वो 10 दिन पहले आई थी और उसके बाद रिजल्ट अभी आया है, 10 से ज्यादा ही दिन थे शायद, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन फिर भी आपका 10-12 दिन का समय तो था ही, और अब आपका उनका रिजल्ट आया, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 5-7 दिन में आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। क्यों इस बार इतना लेट हो रहा है इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं एनटीए की कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ, लेकिन जो सामने आ रहा है उसका अपडेट मैं आपको जरूर देती हूँ। अगर आप हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, और अगर आप किसी भी तरीके के नोट्स या फिर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप हमारी जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली प्ले स्टोर से हमारी सेल्फ लर्निंग की एप्लीकेशन मिल जाएगी, आपको ढेरों टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ में नोट्स भी मिल जाएंगे, तो उसे आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए है तो आप मुझे मेरे दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप पेपर 2 एजुकेशन का नोट्स लेते हैं तो पेपर 1 का नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप केवल पेपर 1 का चाहते हैं तो भी आपको मैं प्रोवाइड करा सकती हूँ, अगर आपकी हिंदी या इंग्लिश जो भी भाषा है उस भाषा में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के अपडेट्स के लिए। और आप अगर दिसंबर की प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जो हमारी क्लासेस होती हैं कंप्लीटली फ्री होती हैं, अगर आप एप्लीकेशन में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर मैसेज जरूर करें, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो, अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगा आपको ये कंटेंट, तो आप प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लगता है तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।